दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अमृतसर के कोट मंगल सिंह इलाके में कूड़े के डंप का मामला गर्माता जा रहा है। आलम ये है कि इस मामले में अब अमृतसर प्रशासन और इलाका निवासी आमने सामने हो गए हैं। दरअसल पिछले कई सालों से इस इलाके में कूड़े का एक बड़ा डंप है, जहां पर पूरे जिले का कूड़ा फेंका जाता है, जिस कारण इस रिहायशी इलाके में कई तरह की बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। इसी के चलते इस डंप से निजात पाने के लिए यहां के इलाका निवासी पिछले 20 दिनों से धरने पर हैं और इस डंप को यहां से उठाने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में इलाका निवासियों ने अमृतसर के निगम दफ्तर का घेराव किया और निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही गुस्साए लोगों ने अमृतसर के मेयर का पुतला भी फूंका। असी कोई घर तो घर 4-5 हज़ार बंदा लेके आए सा, जो के भगत वाले डंप दे विरुद्ध उन्होंने कहा सी कि इतों डंप चुक लो, लेकिन सानू मेयर दे दफ्तर या कमिश्नर दे दफ्तर नहीं जान दिता। हाल बाजार दे विच ही पुलिस ने रोक लिया। असी उत्थे सानू ये कहा गया कि 5 बंदे लैके सानू मिलो। असी उन्होंने ये भी गल मान ली और 5 बंदे अगे गए। अगे इन्होंने की किया कमिश्नर दे दफ्तर दे अगे पता नहीं कि गुंडे खिला रहे सन कि कारपोरेशन दे मुलाजम सन, उन्होंने खिलार के साडी आज़ादी दे उत्ते हमला किया। ये बहुत माड़ा काम किया, ये बहुत माड़ा। और कमिश्नर ने सानू थोड़ा जिन्ना भरोसा दिया जिहड़ा सानू उत्ते दे यकीन नहीं। उन्होंने कहा कि असी 15 दिन दे विच विच इन्हें कूड़े नू पदरा करके उत्ते मिट्टी पावांगे, पर सानू इन्हां ते यकीन नहीं। साडा ये धरना जिन्ना चिर तक ये डंप नहीं चुकया जाता और सारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता, असी ये धरना इसे तरह ही जारी रखांगे। वहीं इस मामले में नगर निगम कमिश्नर का कहना है कि उस डंप के संदर्भ में इलाका निवासियों ने अपनी कुछ मांगे उनके आगे रखी हैं और वे जल्द ही इस मामले का कोई व्यापक हल निकाल लेंगे। हाँ, उन्होंने कुछ इशू है, भगता वाला डंप देखो तो कूड़ा नहीं सुटा जाना चाहिए हैगा वे, और उत्ते बीमारियां फैल रही है वे, और उत्ते अग लगी रही है, वह सारे इशू जो उन्होंने रिजोल्व जो किया जाऊगा हल करने लिए उपराले जारी है। ऑनरेबल बाकी कोर्ट के जो केस चलते उन्होंने अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। साढ़े वालों भरोसा यही है कि इन्हों हले असं नहीं सुटेंगे।